धन्यवाद मैडम, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा जो विषय है, पिछले 5 सालों के अंदर वन विभाग की जो भूमि है, जो केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को जो अनुमति दी है उनके खनन के लिए, तो लगभग बड़े दुख की बात है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 18,922 हेक्टर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण से जूझ रहा है, आज देश में प्रदूषण काफी हद तक पहुंच रहा है। हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए दिया गया है, ये बड़े दुख की बात है। और इससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। ये जो आंकड़ा आया है, 18,922 जो हेक्टर जमीन है उसमें से 16,490 हेक्टर सिर्फ 4 राज्यों की है, इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और उसमें भी हम हिस्सा देखते हैं तो अधिकतर 90% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय जंगल में रहता है उस पेड़ पौधों को भगवान के रूप में मानता है, अगर उसकी पत्तियां और छोटी टहनियां भी अगर उसको अपने जीवन में उपयोग के लिए अगर लेता है तो वन विभाग दिक्कत करता है। लेकिन हम सिर्फ 5 वर्ष के अंदर ही 18,000 से अधिक हेक्टर भूमि अगर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। और मेरे विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केलामेला और दाता जो वन भूमि ज्यादा हो गया, मैं एक लास्ट कहना चाहूंगा, मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर बांसवाड़ा जो क्षेत्र आ रहा है संसदीय क्षेत्र, उसके अंदर केलामेला और दाता जहां पर आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने परमिशन दी है इसमें कई इनके, मैं चाहूंगा इसकी जांच कर इसको रुकवाया जाए, आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए। धन्यवाद।